देश में बढ़े कोरोना मरीज, अब तक कुल 694 केस की पहचान, मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 16। पिछले 24 घंटे में 4 कोरोना मरीज की गई जान, 60 से ज्यादा नए लोग कोरोना से संक्रमित। महाराष्ट्र में एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, राज्य में अब तक 130 मरीज कोरोना से पीड़ित। केरल में 4 विदेशियों समेत 109 कोरोना मरीजों की पुष्टि, कर्नाटक में मरीजों की संख्या हुई 55। उत्तर प्रदेश में अब तक 43 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 5 नए मामलों में 3 नोएडा जबकि आगरा और बागपत से 1-1 मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से दूसरी मौत, इंदौर में 35 साल के युवक की गई जान। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना के 19 पीड़ित मिलने से मचा हड़कंप, 357 लोगों का लिया गया सैंपल, पूरे राज्य में अब तक 43 मरीजों की हुई पहचान। जम्मू कश्मीर में कोरोना से पहली मौत, श्रीनगर में 65 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक और कोरोना मरीज की पुष्टि, पूरे बंगाल में अब तक 10 केस सामने आए। राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना के 36 मामले सामने आए हैं, सीएम ने कहा हर हाल में घर में रहे लोग। लॉकडाउन के बीच सीएम योगी का ऐलान, यूपी में फंसे बिहार उत्तराखंड के लोगों को घर भेजेंगे। आदेश में कहा गया मानवीय आधार पर भोजन और पानी की भी प्रशासन कराए व्यवस्था। योगी सरकार के आदेश पर लखनऊ के डीएम ने जारी किए खाद्य पदार्थों की रेट लिस्ट, ज्यादा कीमत पर बेचने पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड सरकार राज्य में फंसे 2100 पर्यटकों को भेजेगी घर, केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की चेतावनी, लॉकडाउन का पालन नहीं तो लगेगा कर्फ्यू। छत्तीसगढ़ सरकार का निजी अस्पतालों को टेक ओवर करने का फैसला, वायरस की रोकथाम के लिए उठाया अहम कदम। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इस महीने रिटायर होने वाले डॉक्टर और नर्सों की सेवा आगे बढ़ाई। बिहार में गरीब लोगों को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपए देने का फैसला। दिल्ली में ऑनलाइन डिलीवरी करने वालों को मिली इजाजत, डीएम और पुलिस अफसरों को जारी हुआ आदेश। डीएमआरसी का फरमान, 14 अप्रैल तक बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो, लॉकडाउन के कारण फैसला। केंद्र मंत्री नितिन गडकरी का फैसला, 1 महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में देंगे। कोरोना से लड़ने के लिए एक्शन में मोदी सरकार, कैबिनेट मंत्रियों को दी राज्यों की जिम्मेदारी। मंत्रियों को अपने अपने राज्यों के हर जिले के डीएम से रोज करनी होगी बात, केंद्र और राज्य में समन्वय बनाने की कोशिश। कोरोना के कहर से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने किया राहत पैकेज का ऐलान, अगले 3 महीने में खर्च किए जाएंगे 1.7 लाख करोड़। पीएम किसान के तहत अप्रैल में किसानों को मिलेगी 2000 की किश्त, 8.69 करोड़ किसानों को होगा फायदा। मनरेगा के तहत 182 की जगह मिलेंगे 202 रुपए रोजाना, 5 करोड़ परिवारों को होगा फायदा। 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलेगी मदद, 1000 रुपए सीधे खाते में पहुंचाएगी सरकार। 20 करोड़ महिला जनधन खातों में रकम डालेगी सरकार, अगले 3 महीने तक 500 रुपए हर महीने डाले जाएंगे। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे चिकित्सा कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान, 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस करेगी सरकार। केंद्र सरकार के फैसले को मिला राहुल गांधी का समर्थन, कहा लोगों के राहत के लिए उठाया गया पहले सही कदम। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लोगों से अपील, लॉकडाउन के दौरान मस्जिद में ना पढ़े नमाज। मुस्लिम धर्मगुरु ने वीडियो जारी कर कहा, जुमे की नमाज के लिए नहीं लगाएं भीड़, घरों में पढ़े नमाज। शुक्रवार की नमाज से पहले AIMIM चीफ अजुद्दीन ओवैसी की भी लोगों से अपील, घरों में ही पढ़े नमाज।